Hello everybody. So last time we had completed this paragraph that the big billows groaned and the burning coal cracked, the fire shoveled. तो मतलब ये सारा जो शोर शराबा इतना हो रहा था इसकी वजह से क्या हुआ? It was probably on account of all this noise. अस कुछ साफ सा नहीं आ रहा है यार. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. वो कह रहा है ऑथर कि शायद इसी वजह से जो इतना शोर हो रहा था, नॉइजी एनवायरनमेंट था अंदर फोर्ज का, तो ब्लैकस्मिथ ने उसको नोटिस नहीं किया कि जो आदमी था मतलब जो रेड ट्रैप सेलर था उसने गेट खोल के अंदर आ गया. और बिल्कुल जब तक वो नज़दीक फर्नेस के नहीं आ जाता, क्योंकि बहुत टेम्परेचर डाउन था, ठंडा था मौसम, जब तक वो जो है ऐसा उसने उसको नोटिस नहीं किया. श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज. इससे अच्छी और जगह क्या हो सकती थी एज अ शेल्टर, अगर देखी जाए तो शेल्टर के तौर पे कुछ भी नहीं हो सकती थी एक वेगाबॉन्ड के लिए, एक घुमक्कड़ के लिए जिसका पास कोई घर कुछ भी नहीं है. बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, बाहर जो लाइट पहुंच रही थी, सूटी पेंस होते हैं जो कोयले का काम हो रहा था, उसके धुएं की वजह से वो कवर्ड हो गए थे, तो फिर भी जब लाइट चल रही थी फर्नेस की तो वहां से उसको जो है रोशनी दिखाई दी, इस वजह से वो वहां पे पहुंचा और इन फ्रंट ऑफ द फायर के सामने वो खड़ा हो गया. द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली, थोड़ा सा कैजुअली बस ऐसे ही, क्योंकि उसके कपड़ों को देख करके लग रहा था कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी तो है नहीं कि उसको कोई अटेंशन दिया जाए. एंड इनडिफरेंटली उदासीनता से एट द इंट्रूडर होता है द वन हु हैज मेड एन एंट्रेंस विदाउट योर परमिशन, जो कहीं किसी की परमिशन के बिना किसी की एरिया में एंटर कर देता है. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड. वो वैसे भी कैसा दिखता था, जैसे उस टाइप के लोग जो दिखाई देते हैं, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड, चिथड़े टाइप के कपड़े थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो लटके हुए थे उसकी छाती तक. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी रात को गुजारने के लिए. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट. हॉटी कंसेंट माने घमंड टाइप का एक, और इशारा सा किया था विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड. नोड किया, सिर हिला दिया, अच्छा ठीक है, जैसे हम सिर हिला करके परमिशन देते हैं वैसे ही, और उसके साथ में विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड माने कोई उसको जवाब नहीं दिया, कोई चीज उसको बोला नहीं. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं बोला, आखिर क्या बोलता, अच्छी बात है नहीं बोला तो उसे भी क्या चाहिए था. आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, अपने आप को गर्म कर सके तो भरने चली रही थी और सो सके. इन दोज डेज द रामज जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उस समय का जो ओनर था वो बड़ा प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, बहुत एम्बिशियस था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. और उसका जो सबसे बड़ा एम्बिशन क्या था कि अच्छे से अच्छा गुड आयरन जो क्वालिटी है वो शिप आउट हो सके, माने मार्केट में वो बाहर मैन्यू सेंड कर सके, बाहर भेज सके. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, दिन रात, टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और इसी चीज के लिए वो निगरानी रखता था कि काम जो है खूब जितना पॉसिबल हो सकता है उतने अच्छे से हो रहा है. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, जो रात के इंस्पेक्शन होते हैं, कभी कभी रात में भी जैसे कोई बॉस होता है वो इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है, वैसे वो आया. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस.
देखा यार ये कौन है, इतना गंदा भद्दा सा चथड़े टाइप के पहना हुआ कौन है ये, और इतने नज़दीक फर्नेस के बैठा हुआ है। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, जो गीले हो गए थे कपड़े, इतना नज़दीक था कि उसमें से भी भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल क्या था कि उसने उसके साथ में जरा सा भी ढंग से उसको ऑब्जर्व नहीं किया, कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई बात नहीं की, एक कंसेंट भी दिया, जो अप्रूवल दिया, जो परमिशन दी, वो भी एक इशारे से कर दिया, हाँ जा लेट जा कहीं पर। तो उसने आयरन मास्टर जो था उसने ब्लैक स्मिथ उसका काम उसका एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, कौन था ये ब्लैक स्मिथ, जिसने मतलब हार्डली कृपा की हो, जैसे कहते हैं डेंड करना माने कृपा की हो उस इंसान की तरफ देखने के लिए भी, देखा भी नहीं था ढंग से। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, तो आयरन मास्टर ने तो ऐसा नहीं किया, क्या किया उसने, वो उसके नजदीक गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, नजदीक से उसको देखा, एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट। टोर ऑफ का मतलब यहां पे हटाने से है, स्लाउच जो झुकी हुई थी उसने अपने चेहरे पे थोड़ी सी गिरा रखी होगी, तो हैट को जो उसने हटाया टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, अब उसके चेहरे को समझने के लिए। बट ऑफकोर्स इट इज यू नील्स ऑलॉफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक, ओहो ये तो तुम हो नील्स ऑलॉफ। अब उसने उस रेड ट्रैप सेलर को अपना जो है एक कोई पुराना एक्वेंटेड जान पहचान वाला जिसे कहते हैं उसे समझ बैठा, वो कौन, आयरन मास्टर। कैसे दिखने लगे हो तुम यार, क्या हो गया तुमको। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बीन सीन द आयरन मास्टर एट रामजो। जो आदमी था रेड ट्रैप्स सेलर जिसे हम कह रहे हैं, उसने पहले कभी आयरन मास्टर को रामजो पे नहीं देखा था, एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज। अब रेड ट्रैप सेलर कौन सा वहां जाता था, लेकिन जितनी समय भी गुजार चुका था उतनी देर में उसने उस बंदे को नहीं देखा था, किसको, आयरन मास्टर। नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज, यहां तक उसका नाम भी नहीं पता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड अकेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर। अकर्ड टू हिम का मतलब होता है उसके दिमाग में ख्याल आया या उसको ये आइडिया आया कि अगर ये आयरन मास्टर जो है यार दिखने में बड़ा मतलब ओनर होता है तो ओनर ही होता है, तो दिखने में बड़ा ठीक ठाक लग रहा था, उसने सोचा कि अगर ये मुझे ऐसा समझ बैठा है कि मैं कोई जान पहचान वाला हूँ पुराना, तो शायद हो सकता है कि मेरी कंडीशन को देख करके कुछ पैसे मुझे दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो बिल्कुल भी उसको अनडिसीव माने डिसीव माने धोखा होता है, तो जो धोखा वो कर रहा था, जो उसको मिस्टेक बाई मिस्टेक उसको अकाउंटेंट समझ रहा था, उस धोखे से उसको पर्दा नहीं हटाना चाह रहा था, माने उसको धोखे में ही रखना चाह रहा था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, और ऊपर से ये और बोल दिया, बस बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत चीजें गलत हुई हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुमको रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से, सेड द आयरन मास्टर। That was the mistake. वो तुम्हारी mistake थी। If only I had still been in the service at that time, अगर मैं उस समय service में हुआ होता, it never would have happened. तो ऐसा नहीं होता। Well, now of course you will come home with me. अब तुम एक काम करोगे, तुम अब मेरे साथ घर चलोगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that, however, did not please the tramp. अब उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उस तो ये सोच रहा था कि यहीं पर बस पैसे वैसे जो कुछ भी दे सकता है दे दे और अपना काम करे, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो जब कह रहा कि नहीं तुम्हें मेरे घर, मैनर हाउस जागीरदार जैसे होता है मैनर, बड़ा पैसे वाला, उसका घर अपने घर के लिए बोला आयरन मास्टर ने कि उसके घर पे जाना, और फिर वो सोच रहा था कि मैं उसको मतलब मुझे रिसीव किया जाएगा, उसको सम्मान किया जाएगा, रेजिमेंटल कॉमरेड के तौर पर देखा जा रहा है, वो उसको प्लीज नहीं किया था। आज यहीं तक,
टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू लाइन, न्यू पैराग्राफ. थैंक यू वेरी मच.